गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा नाइन्थ जीव विज्ञान अगला टॉपिक है। हमने इससे पिछले वीडियो में वर्ग स्तनी के बारे में देखा और उसको दो उपवर्गों में बांटा था, प्रोटोथीरिया और थीरिया। अब उपवर्ग थीरिया, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है अधोवर्ग मेटाथीरिया और दूसरा है अधोवर्ग यूथीरिया। यहाँ देखिए, मेटाथीरिया के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जो अपरिपक्व शिशुओं को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। अपरिपक्व शिशुओं को, यानी कि इनके जो शिशु उत्पन्न होते हैं वह पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। वो जैसे कंगारू, जैसे क्या होता है कंगारू, कंगारू एक अल्प विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं और उसके जन्म देने के पश्चात उनको क्या करते हैं, उनके उधर गुहा से लगी हुई एक मार्सुपियम थैली होती है और जब तक उस शिशु का पूर्ण विकास नहीं होता तब तक वह शिशु उस मार्सुपियम नामक थैली में रहता है और पूर्ण विकसित होने के पश्चात वह वहां से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट वही है, ये अपरिपक्व शिशुओं को जन्म देते हैं और अपरिपक्व शिशुओं का जो विकास होता है वह शिशुधानी, और उसे शिशुधानी का नाम हमने कहा मार्सुपियम में होता है। जैसे किसमें, कंगारू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये कंगारू। दूसरा वर्ग है यूथीरिया। यूथीरिया में ऐसे जंतु आते हैं जो पूर्ण विकसित शिशुओं को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। कौन से होते हैं, जो पूर्ण विकसित शिशुओं को क्या करते हैं, जन्म देते हैं और इनमें जो इनकी जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वह चुसु यानी कि टीट्स में आकर के क्या होती हैं, खुलती हैं, जिनसे ये अपने शिशुओं को क्या करती हैं, दूध पिलाने में सक्षम होते हैं। दूसरा, इनके जो शिशुओं का जो विकास होता है वह गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में उन शिशुओं का विकास ज्यादा पूर्ण होता है और गर्भाशय में ही स्थित जरायु नामक संरचना के कारण या प्लेसेंटा के माध्यम से इन्हें क्या होता है, पोषक पदार्थ क्या होते हैं, प्राप्त होते रहते हैं या ये वहां से पोषित होते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, इस वर्ग के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम है, जैसे चूहा है, शेर है, चमगादड़ है, मनुष्य है, बंदर है, हाथी है, गाय है, ये सभी इस यूथीरिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।